बुलंदशहर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रेवलर बस डंपर से टकराई। हादसे में बुलंदशहर के 7 श्रद्धालुओं की मौत, करीब 30 लोग घायल। एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं सभी मृतक और घायल श्रद्धालु। बुलंदशहर के थाना ककोड़ क्षेत्र के गांव भोपतपुर से निकली थी श्रद्धालुओं से भरी बस। बुलंदशहर के थाना ककोड़ क्षेत्र के भोपतपुर गांव के रहने वाले हैं सभी मृतक। 30 से 35 लोगों को बताया जा रहा बस में सवार, जो कि वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकले थे, जिसका एक्सीडेंट अंबाला के पास मोहना गांव के समीप हो गया, जिसमें से 7 लोगों की मृत्यु होने की बात बताई जा रही है। बाकी लोग काफी गंभीर स्थिति में हैं। परिवार और गांव के लोग अंबाला के लिए रवाना हुए हैं। सूत्रों की माने तो हादसे में 6 माह की मासूम दीप्ति समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। दीपक, ये बताइए जिन लोगों की मौत हुई है कौन लोग हैं वो? जी, मेरे परिवार के रिश्तेदार हैं मेरे। अच्छा, कितने लोग वैष्णो देवी यात्रा के लिए गए थे? यहाँ से 35 आदमी, 30 से 35 तक गए थे, बच्चे बच्चे बड़े बड़े सारे। और क्या सूचना मिली आपको, कितने लोगों की मौत हो गई है? 7 लोगों की मौत को बताया। 7 लोग? उन 7 लोगों में आपके परिवार के कौन लोग हैं, किन की सूचना आपको मिली? मेरे परिवार में मेरे भाई की सूचना मिली है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रभान सिंह है जी। कौन सा गांव है? ग्राम भोपतपुर। क्या मामला हुआ है, कितने लोगों की आपके पास सूचना मिली है? सर, ये वैष्णो देवी के लिए गए थे, रात लगभग 1:45 बजे के समथिंग अम्बाला रोड पे एक्सीडेंट हो गया है। सूचना मिली है कि उसमें 6 लोग जो है मृतक हो गए हैं और बाकी 22-23 लोग जो है वो घायल है। कौन कौन लोग थे ये लोग? ये सब अपने परिवार के लोग थे जी। हमारा बेटा है, भतीजे हैं, कुछ हमारे रिश्तेदार हैं और कुछ हमारे जो मिलने वाले हैं। क्या बताया गया वहाँ से अम्बाला? वहाँ से बताया गया है जी कि गाड़ी पीछे से जा रही थी रात को, आगे एक ट्रक आ गया जिसने अचानक ब्रेक लिए और गाड़ी पीछे से जो है उसमें टकरा गई। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।